टू सीरीज ऑफ टीओसी। और आज हम पढ़ने वाले कन्वर्जन ऑफ मीले से मूरे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था मूरे से मीले में कैसे कन्वर्जन करना है। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक कर दो। तो अपन देखते हैं मीले से मूरे में कन्वर्जन कैसे करना है। मीले आपको बता दूं जो इनपुट और अपना करंट स्टेट है दोनों पे डिपेंड होता है, कौन नेक्स्ट स्टेट। लेकिन अपन को कन्वर्ट किस में करना है, मूरे में, मतलब करंट स्टेट पे होना चाहिए। इनपुट का खेल खत्म कर देना है, इनपुट को पूरा तरह सफाया कर देना है। कैसे करने वाले, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन जैसे इसके अंदर इनिशियल स्टेट Q1 है, तो आउटपुट ऑफ Q1 देखो, 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, 1 कहाँ पे, यहाँ पे, किस केस में इनपुट 0 में, किस केस में इनपुट 1 पे। चलिए देखते हैं ये कहाँ काम आने वाला है अपने। अब यहाँ पे देखो कि जो Q1 है 1 है, 1 है किस केस में, जब इनपुट 0 था और 1 था। इसी प्रकार Q2 जो है, इसमें देखो Q2 एक बार 0 है और एक बार Q2 है जो 1 है। Q2 1 कब है, जब इनपुट 0 है। Q2 0 कब है, जब इनपुट 1 है। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। Q3 देखो, Q3 यहाँ भी 0 है, इस केस में भी 0, यानी 0 हो या 1 हो ये रहने वाला है 0 0। ओके, और Q4 के केस में देखो, Q4 के केस में एक बार 1 आ रहा है और एक बार आ रहा है 0। तो 1 का बार है जब इनपुट 0 हो और 0 का बार है जब इनपुट 1 हो। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पर टेबल ड्रॉ करनी है दोबारा से। अब देखो कि जो आउटपुट है, यानी Q1 के अंदर दोनों का आउटपुट, चाहे इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों में 1 बार आ रहा है, उनको एज इट इज लिख दो। यानी कि Q1 एज इट इज लिख दिया, इसकी नेक्स्ट स्टेट है अपनी Q3 एंड ये 0, ये Q2 एंड 0। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या है, Q2 0 का रखा है जब इनपुट 1 है और ये हो रखा है 1 जब इनपुट 0 है, यानी अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, Q2 एक बार 0 होने पर, Q2 एक बार 1 होने पर, दो अलग अलग स्टेट बना ली। तो इसके रिजल्ट में Q1 था टेबल में देख सकते हो, और इधर था हमारा 1, इधर था हमारा 1, ठीक है। सिमिलरली इसमें था Q4 यहाँ भी 0 और 0। अब दोबारा Q3 देखो, Q3 में क्या है, ये तो सेम है, तो Q3 तो चेंज होगा नहीं, तो Q3 हमारा ऐसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। ये 1, ये Q1 और ये 1। अब Q4 के अंदर देखें तो ये दोनों सेपरेट हो, तो दोबारा ये Q2 की तरह होगा, यानी कि Q4 0 होगा एक बार, एक बार Q4 1 होगा। तो इस केस में क्या दे रखा है, Q4 1 1, और Q3 0 0। लेकिन अब देखो कि ये नई वाली जो स्टेट है ये अलग है, यहाँ पर Q4 नहीं है ना ही Q2 है। इस केस में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ना तो Q4 है ना Q2 है, तो इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। इन्हें चेंज करना को ये कैसे करेंगे, इसका आउटपुट क्या है, 1 है, तो ये हो गया Q2 1, Q4 1, Q4 1, इसके अंदर Q4 0, Q4 0, Q2 0। आउटपुट से देखो, यहाँ 0 0, यहाँ 0 1 1 1। तो अब ये हमारी नई टेबल बन गई है, अब इनसे हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इस टेबल के बाद हम केवल है ना प्रेजेंट स्टेट और आउटपुट की एक पर्सनल टेबल बनाएंगे। तो इस टेबल में क्या है कि आपको Q1 का Q2 0, Q2 1 3, Q4 0 और Q4 1, ये हमारी नई स्टेट के साथ मिली हुई नई टेबल बन गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे इनके आउटपुट लिख रहे हैं। तो आउटपुट देखो, तो यहाँ 1 है लास्ट में तो 1 हो गया, ये 0 है 0 हो गया, 1 है 1 हो गया, 0 है 0 हो गया। अब Q1 के केस में क्या था, दोनों ही केस में यहाँ 1 1 था, तो यहाँ आउटपुट हो जाएगा 1। और सिमिलरली Q3 के केस में अगर देखूँ, तो Q3 के केस में था यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो गई हमारी एक नई टेबल। अब इसके बाद हम बनाएंगे कौन सी फाइनल टेबल, जो लास्ट टेबल होगी वो होगी हमारी मूरे की टेबल। तो देखते हैं कैसे बनने वाली है। अब जो ये टेबल है फाइनल टेबल, ये है हमारी मूरे मशीन की टेबल। इसको कैसे बढ़ना है, इसको सिंपली बढ़ना है Q1 के थ्रू 0 देने पे नेक्स्ट स्टेट और 1 पे देने पे कौन सी स्टेट आ रही थी। तो इसके अपन अंदर देख सकते हैं Q3 और Q2 0 आ रही थी, तो ये लो यहाँ पर आ गया Q3 Q2 0। सिमिलरली बाकी में भी, इस केस में क्या आ रही थी, Q1 Q4 0, इस केस में Q1 Q4 0, Q3 में Q2 1 Q1, इसके अंदर Q4 1 Q3, इसके अंदर Q4 1, इसमें Q3। अब इनका आउटपुट कैसे आएगा, ये वाला आउटपुट डिट्टो, ये हो गया 1 0 1 0 0 1। अब क्या है कि ये नई मूरे मशीन बनी है, तो इसका जो इनिशियल स्टेट है वो कुछ नया होगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ Q2 0। अब इसके अंदर ये दोनों क्या होंगे, जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर होंगे, तो Q3 Q2 0। अब इसके अंदर आउटपुट क्या होगा, तो स्टार्टिंग इनिशियल आउटपुट हम इसका 0 अज्यूम कर लेते हैं,
तो ये है हमारी मूरे मशीन की फाइनल टेबल। अब हमारे पास ये टेबल और इस टेबल के थ्रू हमें बनाना है डायग्राम, तो आई थिंक सिंपली हम कैन बना सकते हैं इसका डायग्राम। चलिए देखते हैं इसका डायग्राम क्या बनता है। तो ये है हमारा वो फाइनल डायग्राम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसको इजी बना सकते हैं आप स्टेट को आगे पीछे करके। एक बात का ध्यान रखना कि मैंने ये घुमा के इसलिए लिए, मैं चाहता डायरेक्ट ले सकता, लेकिन ये लाइनें आपस में कटनी नहीं चाहिए, पैरेलल चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कटने ना कटने का पूरा पूरा ध्यान रख सकते हो। और ये रही आपकी टेबल, तो इस टेबल के थ्रू आप देखो तो ये पूरा मैच कर रहा है। जैसे क्यू जीरो पे अपन ने जीरो दिया तो क्यू थ्री पे गए, क्यू टू जीरो पे गए, एंड सिमिलरली ये पूरी प्रोसेस अपनी वर्क करती है। तो ये हमारा डायग्राम, ये हमारी टेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।